कहते हैं कि फिर हम 20 लोगों को तो नहीं निकालेंगे, आप ही को फिर हम चेंज करते हैं ताकि कोई और लीडर जो है वो आए। लवली, थैंक यू राम, थैंक यू। इट इज माइंड ब्लोइंग लिटरली। आपके नजदीक इंसान डिप्रेशन का शिकार क्यों होता है, और अगर हो जाए तो इसका कोई आसान सा शॉर्टकट टोटका क्या हो सकता है? तो फैल तो साहब, आपका क्वेश्चन उठाए। फिर थैंक यू। तो फिर मैं सादा सा लव्स है, सप्रेशन कॉजेज डिप्रेशन। सो सप्रेशन क्या है कि हम सारे, एक तो हमारे जीन्स हैं, एक हमारी फैमिली है, एक हमारी प्री कंडीशनिंग है, एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हमारी रियल सेल्फ भी रखी है जिसको हम गट फीलिंग कहते हैं। गट फीलिंग का मतलब ये है आपको ऊपर ऊपर से चीजें जहनी तौर पर रैशनैलिटी में ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें राइट लग रही होती हैं, बट वाइब्स और इंट्यूशन और फील्स जो उसके बारे में होती है वो मुनासिब नहीं लग रही होती। तो हमें उस जगहों पर उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना नहीं आता। तो अगर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, अपनी रियल सेल्फ के साथ एक हो जाएं, तो डिप्रेशन और तरह की शक्लों में आएगा, लेकिन उस तरह के मैं उसे चैलेंज कहूंगी। ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से आपकी लाइफ जो है वो जन्नत बन जाएगी। उस जब आप अपने लिए खड़े होना शुरू करेंगे तो लोग आपसे एक दफा घबरा जाएंगे कि ये तो हमेशा से ऐसे था, अब ये इसने ये क्या कर दिया, तो ये इसका मतलब है मुनासिब बात नहीं है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें दो चीजें कहते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, एक ये है टू बी अटैच्ड और दूसरा है टू बी रियल। हम क्या करते हैं, रियल को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं हमारी नीड टू अटैच के साथ। फॉर इंस्टेंस, मेरे भाई की अटैचमेंट मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरे भाई का एक स्टैंडर्ड है, एक इमेज है उसकी बहन के लिए जो कि वो मुझे कैरी करना पड़ेगा अगर मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए। तो अगर मैं अपनी रियल सेल्फ में उस इमेज के थोड़ा ऑपोजिट हूं तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, वो इमेज को ड्रॉप करती हूँ, मुझे मोहब्बत चाहिए अपने भाई की। एंड देन यू एक्ट इन अ सर्टेन वे। जब काफी टाइम 10 साल 20 साल गुजर जाएंगे और आपको वहां से फिर भी वैलिडेशन नहीं मिलेगी, अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप थक जाएंगे और आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं अपनी जो इमोशनल नीड्स हैं उसको पूरा कर सकूं, तो वापस यही सवाल आएगा कि आप जो कर रहे थे क्या वो आपकी रियल सेल्फ थी या आपने अपनी रियल सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू राम, थैंक यू वेरी मच।